आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुंडली का एक महत्वपूर्ण ग्रह शनि ग्रह। यह अगर कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अष्टम भाव में बैठने के बाद शनि के अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं तो व्यक्ति को क्या उपाय करने चाहिए, इस समस्त के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं अष्टम भाव में शनि का विराजमान होना। अष्टम भाव को हम आयु का भाव मानते हैं, गूढ़ रहस्यों का भाव मानते हैं, इसे अनिश्चितताओं का भाव भी कहा गया है। अचानक से हानि, अचानक से लाभ, यह भी हम इसी भाव से देखते हैं। ऐसे में आयु के कारक ग्रह का आयु के भाव में विराजमान हो जाना यह व्यक्ति को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर, सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर और दशम दृष्टि पंचम भाव पर होती है। तो कहीं ना कहीं शनि के अष्टम भाव में बैठने से आयु भाव प्रभावित होगा, कर्म भाव में दृष्टि होने से व्यक्ति का कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा, द्वितीय भाव में दृष्टि होने से धन और कुटुंब प्रभावित होगा और पंचम भाव में दृष्टि होने से व्यक्ति के संतान, शिक्षा और रोमांच कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। लेकिन यह भी शनि की स्थिति पर निर्भर करता है कि कुंडली में शनि की क्या स्थिति बनी हुई है। शनि अगर अष्टम भाव में अपनी स्वराशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो या अपनी मित्र राशि में हो तो ऐसी स्थिति में शनि व्यक्ति को हर प्रकार से नकारात्मक प्रभाव नहीं देते, बल्कि व्यक्ति के जीवन में अनेक क्षेत्रों में यह शुभ प्रभाव देने वाले हो जाते हैं। और वहीं अगर शनि अष्टम भाव में अशुभ अवस्था में हो, अपनी नीच राशि में हो, अपनी शत्रु राशि में हो और साथ में राहु और केतु का भी अगर कहीं से संबंध बन रहा हो तो यह फिर बहुत नकारात्मक परिणाम देने वाले होते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं शनि की अष्टम भाव में शुभ अवस्था का परिणाम। अगर कुंडली में शनि अष्टम भाव में शुभ अवस्था में होते हैं तो आयु के कारक ग्रह का आयु के कारक भाव में विराजमान होना व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक साहसी होता है और गुणी होता है। ऐसे व्यक्तियों को गूढ़ रहस्य जानने की बहुत अधिक लालसा रहती है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक विद्वान होता है और उसके अंदर डर नाम की चीज नहीं होती, वह निडर होता है। साथ ही साथ यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति को उदार चरित्र का बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है वह भी रहस्यमयी होता है। अष्टम भाव में बैठे हुए शनि की वजह से व्यक्ति की रुचि ज्योतिष की ओर अधिक रहती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति हो सकता है तंत्र मंत्र, जादू टोना और गुप्त विद्याओं के भी जानकार होते हैं। यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति को अपने विवाह के पश्चात अत्यधिक धनवान बनाते हैं। तो यह था शनि के अष्टम भाव में शुभ स्थिति के परिणाम। अब हम बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव में अगर शनि अशुभ अवस्था में हो और पाप ग्रहों की दृष्टि भी उन पर पड़ी हो तो वह व्यक्ति के जीवन में आलस की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत आलसी होता है। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति दूसरों की बुराई करने में रहती है और वह दूसरे लोगों की निंदा करने में उन्हें खुशी मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति को बदनामी का सामना करवाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी न कभी बहुत बड़ी बदनामी का सामना करता है। अपने किसी भी कार्य को धीमी गति से करना यह भी यहाँ पर बैठे हुए शनि के कारण होता है। अचानक से आवेश में आ जाना यह भी शनि के अष्टम भाव में बैठने से व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के प्रभाव हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति बुरी संगत में रहता है और चोरी जैसे कार्यों में लिप्त रहता है। यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति को नशे का आदि बना देते हैं। वह अपना धन इन्हीं गलत कार्यों में खर्च करता है। ऐसे व्यक्तियों की अपने भाई बहनों के साथ नहीं बनती, परिवार से प्यार भी प्राप्त नहीं हो पाता। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों का अपने से नीच वर्ण की स्त्री के साथ संबंध रहता है। और अगर हम संतान की बात करें तो ऐसे जातकों की पुत्र से अधिक पुत्रियां होती हैं। अगर रोग की अगर बात करें तो यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति को दांत से संबंधित,
जोड़ों से संबंधित, पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित इस प्रकार के रोगों को देते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु भी किसी लंबे अवधि से चले आ रहे रोग के कारण होती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और व्यापार में भी वह व्यक्ति निरंतर बदलाव करते रहता है, उसके बाद भी उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। तो यह शनि की अशुभ स्थिति के परिणाम थे। अब अगर किसी कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति बनी है तो उस व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण उपाय कर लेने चाहिए, जैसे कि नित्य हनुमान जी की पूजा करना, नित्य भगवान शंकर की पूजा करना या माता दुर्गा की पूजा करना शनि के अशुभ प्रभावों को कम करती है। साथ ही साथ आप शनिवार के दिन नित्य काले कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं और शनिवार के दिन गरीबों को भरपेट खाना खिलाना भी शनि के अष्टम भाव के बुरे प्रभावों को कम करता है। शनिवार के दिन नदी में उड़द या काले तिल प्रवाहित करने से भी कुंडली में शनि की बुरी स्थिति की वजह से आने वाले बुरे प्रभावों से हम बच सकते हैं। साथ ही साथ शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना, शमी के पेड़ की पूजा करना, इन कार्यों से भी हम शनि के बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। तो अगर किसी की भी कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति बनी हुई है तो वह व्यक्ति इनमें से कोई एक कार्य कर भी शनि के अशुभ स्थिति से बच सकता है। और अगर किसी के कुंडली में शनि की शुभ स्थिति भी है तब भी वह इन कार्यों को कर शनि को और अधिक बलवान बना सकता है और शनि के शुभ परिणामों को अत्यधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो शनि के कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान होने के संबंध में थी। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।